सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सार दर्शकों का गूंजा सिख विरसे दी खास पेशकश के दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक बहुत वड्डा उपराला किया जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड बनाया जा रहा है। किस लिए यह बोर्ड बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, तो इसके मैंबर कौन होंगे दसांगे इस खास पेशकश के जिसका नाम गूंजा सिख विरसे दी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड बनाया जा रहा है जिस दे मैंबर कई विद्वान रखे गए हैं। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने इस गल की जानकारी दी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने यह गल आखी है कि जिहड़ियां वस्तुआं गुरु साहब दी चरण छो प्राप्त हैगियां ते वह परिवार उन्हां दी सांभ संभाल नहीं कर पा रहे, चाहे वह बिहार के होण, झारखंड के होण, किसी भी थावां दे होण, ते वह वस्तुआं दा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सांभ संभाल करेगी, जिस दे लई इह बोर्ड बनाया गया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक अहम फैसला लिया कि दिल्ली देश अते दुनिया दे विच जिथे जिथे गुरु साहिबान का कोई भी इतिहास दे नाल कोई रेलिवेंस कोई चीज़ा, भावें वह शस्त्र ने, भावें उन्हां दीआं शो प्राप्त चीज़ा ने, भावें हुक्मनामे ने, केड़ी भी चीज़ गुरु महाराज के उन्हां दीआं सिखां दे नाल इस विरासत दे नाल सिख विरासत दे नाल जुड़दी है, उन्हूं प्रक्योर करन दा, उन्हूं संभालन दा यह जिहड़ी साड़ी जिम्मेवारी सी, उन्हूं वधांदे हुए असी अज एक हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का तैयार कर रहे हैं। और अज मैनूं खुशी है कि साडे नाल हर वक्रे फील्ड तो जिहड़े अपने मास्टर्स जिन्होंने डॉक्टरेट की है, पीएचडीज़ हैगे हैं, हिस्टोरियंस हैगे ने, अपना योगदान पाने वास्ते ये सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सारियां दे दिलां दे विच वलवला सी कि जिस तरीके दे नाल साडे वड्डे वडेरियां ने सिख इतिहास बनाया, सिख साहित्य लिखिया और इनू असी सांभ नहीं सके, उन्हूं देखते हुए अज एक एक कदम जिहड़ा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों चुकया जा रहा कि यह सिख जिहड़ा हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड है उहदा गठन करके इन्हां दीआं जिम्मेवारियां लाई जाण, जां ताकि जिहड़े सिख साहित्य दे विच कई ऐसियां अनपब्लिश्ड बुक्स पईआं जिन्हां दीआं अथॉरिटिकेशन चैक नहीं हो सकी आ, किथे साडीआं संस्थावां बड़ीआं संस्थावां इस तों अपनी जिम्मेवारियां तों पिछे हटियां, उस इतिहास नूं उस साहित्य नूं लोगों तक पहुँचाने का असी काम कर सकीए। जिहड़ियां इतिहासक शो प्राप्त चीज़ा भावें उह किसी दे कोल भी है ने, पुरातन जिहड़े परिवार ने जिन्हां ने गुरु साहिबां ने गुरु महाराज ने आप उन्हां नूं इह अपनियां चीज़ा दित्तियां, भावें किसी दे घर कोई गड़वियां पईआं, किसी दे घर महाराज दीआं खड़ावां पई ने, किसी कोलों चोले पए ने, वह सारिया एक प्लेटफॉर्म से लियान का काम यह बोर्ड करेगा। उन्होंने अथॉरिटिकेशन चैक कराई जाएगी, उन्होंने कार्बोनेटिंग करा के ये सारा काम करा के संगतान उन्होंने दर्शन कराए जा सकन, संगतान पता होए कि हिंदुस्तान के किस कोने दे विच, देश के किस कोने दे विच मेरे गुरु महाराज दीआं शो प्राप्त चीज़ा किहड़े घरां दे विच पईआं, ताकि असीं उत्थे जा के दर्शन कर सकीए। जिहड़े गुरु घर दे विच गुरद्वारा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दे के अपनियां सेवा संभाल, क्योंकि कई सानूं बिहार दे विचों परिवारां दे फोन भी आ रहे हैं कि जिस तरीके दे नाल उन्हां कोलों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे शस्त्र पए ने, उन्हां दीआं चीज़ां पईआं शो प्राप्त, और अज परिवारां दे उह हालात नहीं रहे क्योंकि वह पिंडां दे विच रहिंदे ने और वह उन्हां चीज़ां नूं नहीं सांभ सकदे, वह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दित्तियां जाण। उन्हां दीआं सारियां चीज़ां दीआं अथॉरिटिकेशन चैक करन वास्ते इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मैं धन्नवाद करांगा डॉक्टर मनिंदर सिंह जी पटियाला तो साडे विच आए ने, जिन्हां ने पीएचडी की है निहंग सिख संप्रदावां दे उत्ते, और सिख शस्त्र विद्या के जिहड़े एक्सपर्ट भी ने वह भी इस कमेटी के विच साडे नाल हिस्सा पा रहे हैं। सरदार सिमर सिंह जिहड़ा वर्ल्ड का सब तो छोटी उम्र का सिख हिस्टोरियन है, जिन्हों 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने मिले हुए हैं और एक रॉयल फैमिली तो बिलोंग करते हैं मीरपुर रियासत कश्मीर तो, उन्होंने भी
ये शमूलियत पा रहे ने और इन्हों खास तौर पर असं जिम्मेवारी ला रहे हैं। सरदार मनदीप सिंह जी मुरीद जेडे सिख स्कॉलर ने और सिख शस्त्रा के उत्ते एक्सपर्टाइज है इन्हों की वो भी ये हिस्सा पा रहे हैं। सरदार चेतन सिंह जी जेडे रिटायर्ड डायरैक्टर ने भाषा विभाग के उत्ते बहुत वड्डा तजुर्बा इन्ह का क्योंकि इन्होंने ही दसिया कि जिस किस्म का साहित्य इन्ना साढ़े तो खुंज गया और उन्हों वापस लियान का काम कर सकी जोड़ा बचिया उन्होंने असी होर तरीके बचा का काम कर सकी भी साढ़े न सहयोगी ने डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी जेडे पी आई टी सिख स्कॉलर ने जिड़ी साड़ी मैगजीन है सीसगंज मैगजीन उन्होंने भी वो हर महीने की जी छपती देखते हैं। मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता। सरदार हरप्रीत सिंह जी नाज जिन्हों की एक्सपर्टीज है जेडे सिख पेंटिंग एंड मिनीएचर के आर्टिस्ट ने बहुत व्डे सिख पेंटिंग का बहुत व्डा एक खजाना मैं कहना साड़ी कौम को हैगा और उन्होंने असी वापस सुरजीत करके संतां तक लिया सकी असी बड़भागी समझांगे। डॉक्टर हरबंस कौर सग्गू जी साड़े हिस्टोरियन है दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्य देख रहे हैं उन्हों की भी जिम्मेवारी ये चलाई गई है और नाल सरदार तेजिंदर सिंह जी उन्होंने ये कोआर्डीनेशन की जिम्मेवारी देती जा रही है कि ये सारे कोआर्डीनेट करके दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और ये सारे मिल के कार्य कर सकी ताकि असी संगतान अपने वो गुरु महाराज दिया शोभ प्राप्त चीज़ों के दर्शन करा सकी। बहुत बड़ा काम है और ये मैं संगतान भी अपील कराँगा जिन्हों जिन्हों लोगों को पता हो कि गुरु महाराज दिया शोभ प्राप्त चीज़ा गुरु महाराज के अनमोल खजाना जिन्हों के कोल पिया सानू दसन असी ज़्यादा चैक करा के उन्होंने प्रक्योर करन का जिहड़ा सिस्टम है क्योंकि कई एफ ओ जे महाराज के लिखे हुक्मनामे ने जिहड़े पुरातन होण करके जिहड़े खराब हो रहे ने और उन्होंने लोग संभाल नहीं सके उन्होंने कैमिकल्स के नाल किस तरीके दे नाल प्रक्योर किया जाए ये सारी जिम्मेवारी इस बोर्ड की होगी और इस बोर्ड को पूरी इस चीज़ के उत्ते असी सहूलत देवे कि देश के विच पे किसी भी पासे गुरु महाराज के इस चीज़ा संगत तक लिया वसे असी सहयोगी बन सकी उन्हों का मैं सारियां क्योंकि इस टीम के काम करन वसे बहुत बड़ा एक जज्बा भी चाहिए समा भी चाहिए और इन सारिया ने जिथे ये जिम्मेवारी ली है साड़ी धर्म प्रचार कमेटी ने भी यदि बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है उन्होंने सारियां सहयोगी बना के असी इन्हों अज बोर्ड का गठन किया। मैं मीडिया राही सारिया संगतान अपील कराँगा जी मैं गल पहले भी की है कि गुरु महाराज दिया शोभ प्राप्त चीज़ों असी अगर संगत तक दर्शन करा सकी है और तुहानू पता है वो कित्थे हैगी है तो मैं समझांगे साढ़े सारिया का जीवन सफल होएगा। अज इसी दे पक्ष दे विच जिहड़ी सिरी साहब तुहाडे सामने पई है ये भाई मणि सिंह जी होना दी सिरी साहब है जिहड़ी सरदार सिमर सिंह उन्हां दे पुरातन परिवार के उन्हां कोल पई है और जिस तरीके दे नाल इहदी अथॉरिटिकेशन है क्योंकि एक गुरु पंथ प्रकाश जिहड़ी जीवन ज्ञानी ज्ञान सिंह जी वालों लिखा गया सब तो पुरातन जिहड़ा साडा सिख इतिहास है जितों असीं सिख इतिहास का रेलीवेंस जितों सानूं मिलदी है उहदे विचों सारी अथॉरिटिकेशन दित्तियां गईआं और ये अज संगतां दे दर्शन करन वास्ते भाई मणि सिंह जी उन्हां दी सिरी साहब लैके आए ने जिहदे विच इन्हां ने सानूं पूरी दसिया कि किस तरीके दे नाल इस किताब दे विच इहदी रेलीवेंसिस हैगी है। सो इन्हां चीज़ों नूं लैके असीं एक वड्डा प्लेटफॉर्म भी बना सकीए डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकीए ताकि जिहड़ी सिख ते इतिहास दीआं गल्लां असीं अज सारे विकीपीडिया तो लैंदे आ उन्हां दे विच कई त्रुटियां आ जांदियां और ये जिहड़ियां गल्लां फिर अगे वधिया चली जांदियां उहदे विच भी सोध कर सकीए अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकीए दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक पोर्टल बना के असी सारे ये उत्ते अज काम करन वसे सारे इकट्ठे होए आ और गुरु महाराज एक अरदास करते हैं कि सानू शक्ति बख्शन बल बख्शन और इतफाक बख्शन कि कौम का यह जिहड़ा वड्डा सरमाया असी कौम के हवाले कर सकीए। सो इस दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका गूंजा सिख विरसे दियां साड़ी खास पेशकश इस तरह जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हिस्टोरिकल रिसर्च बोर्ड बनाया जा रहा है तो इन्होंने जोड़े विद्वान रखे गए हैं उन्होंने भी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस शिलाघा योग कदम से धन्यवाद किया। जिहड़ा साडा सिख इतिहास है
वह बहुत ही माण मत्ता है। तो सिख इतिहास के जिन्हें भी इतिहासक साड़ी किताबा इतिहासक धरोहर गुरु नानक पातशाह जी तो लैके अज तक जिन्हें भी सिख रैलिक्स ने वो बड़ी थाव अनेक थावान पर मौजूद ने, लेकिन समय की घाट होने कारण रिसोर्सिज की घाट होने कारण वो जड़िया ने संगत सामने दर्शन लिए उपलब्ध नहीं हो सकिया। अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहवागा कि इन्होंने ये उपराला है जोड़ा इसनों कर जोड़ा जिम्मा लिता है कि असी सारे मिल के हरेक हिस्टोरियन, क्योंकि वक्रे वक्रे पद्धर से बड़े अनेक हिस्टोरियन काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऑथेंटिक बॉडी है सिखा की। तो ये असी जिन्हें भी साढ़े सिख स्कॉलर ने वो एक दूजे के नाल मिल के सिख इतिहास के रेलीवेंट स्रोत सिख इतिहास की किताबों जोड़ा है असी प्रकाशित करिए संगत के जिन्हें भी इतिहासक रैलिक्स पे ने उन्होंने असं प्रिजर्व करिए, क्योंकि वेखो अब जिन्हें भी साढ़े को हुक्मनामा साहब पे ने भुरते जा रहे हैं, उन्होंने जी अवस्था है वह खराब होंगी जा रही है, पेपर खराब हो गए। इस रिसर्च बोर्ड के थ्रू असं एक तो उन्होंने प्रिजर्व करा, दूजा जी असी संगत जोड़ा उस चीज़ों लैके आवेंगे। तो रिसर्च बोर्ड के थ्रू मैं दस देव कि साढ़ा जोड़ा पहला उद्देश्य, क्योंकि अगले महीने साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुरब आ रहा है, तो उस शहीद दिहाड़े के उपर असी भाई मती सतीदास भाई दयाला जी के परिवार को पई गुरु साहब जी की इतिहासक निशानियां अते इतिहासक हुक्मनामे संगत विच पहली बार दर्शन के लिए लैके आ रहे हैं। उदे विच ही जेड़े भाई मती सतीदास जी के परिवार को पे ऑथेंटिक हुक्मनामे ने, क्योंकि अकाल तख्त साहब जी ने जैमल सिंह जी जो जथेदार से उन्होंने भी उसको ऑथेंटिकेट किया, वो सारे संगतों के दर्शन लिए असं पहली बार जोड़ा अगले महीने कोआर्डीनेशन करके उसकी जानकारी आपको जल्दी साझी कर दी जाएगी। तो जिन्हें भी साढ़े डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, डॉक्टर मनिंदर सिंह जी, हरप्रीत सिंह नाज जी, मनदीप सिंह मुरी जी, तजिंदर सिंह गोया जी, चेतन सिंह जी, जिन्हें भी हिस्टोरीयन साढ़े बैठे ने, मैं इन्हों का विशेष तौर पर धन्यवाद करा। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी धन्यवाद करा कि एक जी फुलवाड़ी है, क्योंकि फुल अलग अलग सोहने जरूर लगते हैं, लेकिन जो इकट्ठे हो जाते हैं वो ज़्यादा सोहने लगते हैं। तो अब बड़ा माण महसूस हो रहा है कि अज असी सारे इकट्ठे होकर एक फुलवाड़ी के रूप के अपने गुरु साहब जी के इन्ने महान इतिहास में सेवा ते संभाल, क्योंकि साडा सिखां दा इतिहास लिखिया बहुत गया, रचिया बहुत गया, लेकिन संभालिया नहीं गया। तो अज असी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मैं धन्यवाद फिर करांगा कि असी यह जिम्मा चुकन लगे हैं कि इस इतिहास में जिथे रचना है उत्थे इसनों सामना भी है, सामभ के आम संगतां तक पहुँचाना भी है, क्योंकि अजकल साढ़े इंटरनेट के उपर बड़े सारे सिख इतिहास के गलत जानकारी पाई गई है। तो असी जल्दी अपना पोर्टल भी तैयार करांगे, टीम भी तैयार करांगे, जिहड़ी एक विशेष तौर पर रेलेवेंट सिख ऑथेंटिक सिख इतिहास है उसनों पाएगी। गुरु साहिबान जी दियादगारा इतिहासक पुस्तक के होर वस्तुओं संभालन संगत तक पहुँचाने का जो टीचा मिलया गया, ये संबंध में मैं एक गल याद करके थोड़े नाल साझी करके बड़ी खुशी महसूस करदा। 1950 खालसा पंथ ने पटियाला विखे एक कानफ्रेंस की और बहुत समा पहलों उसकी एडवरटाइज देंदे रहे कि जिस भी किसी सिख पास इतिहासक डेरे में इतिहासक चीज़ा हैं गुरु साहिबान दियाँ उन्होंने पटियाले लिया जाए, और उस तीन दिन कानफ्रेंस में 1950 सारिया वस्तुआं दिखाईया गई ही संगतों को। अज वो संकल्प फिर कालका जी ने लिया, तुसी सारे ने लिया, मेरा यकीन है कि जदों शुभ संकल्प कोई लिया जाए, क्योंकि भाई वीर सिंह जी कहते भी हर सिख जिहड़ा आ वो खालसा पंथ की उसारी की मशीनरी का कोई ना कोई हिस्सा आ, भावें कोई वड्डे अहुदे ते बैठा भावें किसी वक्रे अहुदे ते, हर एक अपने अपने ढंग नाल योगदान पा रहा। और जो इन्हें संकल्प लिया उहदे विच असीं इन्हां दा पूरा साथ देवांगे, जिथे जिथे चीज़ां पईआं उन्हां दे थां दसांगे, उन्हां दीआं संगतां नूं दर्शन कराउण दे संबंध में दसांगे, जिवें 1950 खालसा पंथ ने किया सी, अज 70 साल बाद फिर वो लै रहा। साडा यकीन है कि सिख साहित का बहुत सारा हिस्सा जिहड़ा वो सांभिया नहीं गया, और इस रिसर्च बोर्ड राहीं जी जतन करांगे संगतां दे सामने वो चीज़ां भी लियाउण दा जतन करांगे जिहड़ियां कि संगतां नूं लिखिया तो है बहुत लिखारियां ने पर सामने नहीं आईयां। गुंजा सिख विरसे दियां साडी खास पेशकश इस तरह जारी रहेगी, फिलहाल रुकते हैं ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद आप सरदर्शकों का स्वागत है। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित श्री गुरु सिंह सभा रमेश नगर वालों कीर्तन समागम करवाया गया, तो इस दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका वालों विशेष तौर पर शिरकत की गई।
इस दौरान दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने संगत के नाल अपने विचार भी साझे किए। सब तो पहला तो मैं बधाई देवांगा समुची प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा सिंह सभा रमेश नगर की और अकाल सेवक जत्था जिन्होंने आज ये विशेष उपराला रखिया धन धन साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश पुरब की खुशी दे विच और संगतां नूं इलाही बाणी दे नाल जोड़िया। बहुत ही जोश दे नाल भाई साहब उन्होंने हुणे गुरु महाराज की बाणी संगतां नूं सुनण कवाई कराई भाई साहब भाई मेहताब सिंह जी होरां ने। और मैं इस गल की बधाई भी दिंदा प्रबंधकां नूं क्योंकि समय समय सिर जिहड़े तुसीं इस गुरद्वारा साहब दे विच प्रोग्राम करा के संगतां नूं जोड़दे हो अपने बच्चों गुरु चरणों के नाल जोड़ते हो। अज सब तो वड्डा मैं समझदा कि कारज और जिम्मेवारी हर सिख की बनती है कि इहो जिहे दिहाड़िया नूं किसी भी वजह दे नाल किसी भी तरीके दे नाल असी मिस ना करिए, असी इस तो विछड़ ना जाइए और ये उपराले सानू हर गुरु महाराज के प्रकाश पुरब दिहाड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े ये सारे सानू मनाने चाहिए ने ताकि असी अपनी पनीरी नू गुरु वाला बना सकी। अज जिस तरीके दे नाल कौम के उत्ते हमले हो रहे हैं बहुत वड्डी लोड़ है अपने कौम की उस पनीरी नू सांभ के रखण दी। और इहदे लई जे जिथे असी कीर्तन दरबार कराउंदे आ गुरु दे नाल संगतां नू जोड़दे आ एक बहुत विशेष उपराला सानू सारिआं नू करना चाहीदा कि असी अपने बच्चिआं नू गुरु इतिहास दे नाल भी जोड़ सकीए क्योंकि जिन्ना वड्डा और जिन्ना सुनहरा इतिहास सिख कौम कोल है शायद दुनिया के किसी होर धर्म कोल नहीं है। जिन्नी वड्डियां कुरबानियां वाला ये खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साजिया शायद किसी दुनिया के किसी होर कोने दे विच तुसीं नहीं देख सकते। मगर साडा अफसोस रहा कि असी अपने बच्चों इस इतिहास के नाल वंचित रखिया। असी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की समुची टीम ने यह फैसला लिया से जब तो सानू सेवावां मिली है 2013 तो असी लगातार अपने इस सुनहरे इतिहास नूं संगत दे विच उजागर करन दे उपराले करते रहे। जे लाल किले दे उत्ते फतेह दिवस मनाउण दी गल कीती और लोगां नूं दस्सिया कि किस तरीके दे नाल साडे जरनैलां ने दिल्ली फतेह कीती और एक वार नहीं कई वार इस दिल्ली नूं फतेह करके अपने गुरु धामां दी निशानदेहियां करके वापस इस दिल्ली नूं छड़ता गया। उहदे नाल नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी उहदा इतिहास संगतां दे विच लैके आए। ऐसी तरीके से लगातार उपराले करते हुए जिहड़ियां भी कोई शताब्दियां आउंदियां गुरु महाराज दियां होण जां गुरु के सिखां दियां असीं जिम्मेवारी दे नाल संगतां तक उस इतिहास नूं पहुँचाउण दी गल करदे हां। इस बारी भी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक फैसला किया कि आने वाले दिसंबर के महीने के विच जब शहीदी दिहाड़े मनाए जाते हैं साहबजादियां दे एक बहुत वड्डी रूह जिन्हों असी कई सालों तो विसर चुके हैं जिहड़ा बहुत वड्डा इतिहास के विच योगदान बीबी शरण कौर का जिन्होंने चमकौर की गली के विच जिस वक्त जंग तो बाद जिहड़े गुरु के सिख शहीद होए साहबजादे वड्डे शहीद होए जिन्हों का अंगीठा तैयार करके उन्हों का संस्कार किया और जब मुगल फौजा उत्थे पहुंचिया तो उस संस्कार की हुई अगन दे विच अपने आप नूं भी अगन भेट करता। यह इतिहास असी संगतां तक लियाउण दा एक विशेष उपराला दिसंबर के महीने के विच भी कर रहे हैं। सो अपनियां जिम्मेवारियां जिहड़ियां साडियां बंदियां कि असी वध तो वध संगतां नूं दस सकीए अपने बच्चों नूं कि साडा इतिहास की है उसी लड़ी दे विच असी लगातार प्रोग्राम जिहड़ा धन लिखारी नानका दे नाम दे उत्ते शुरू किया जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 36 बाणीकारां दी बाणी नूं लै के एक एक दिन वखरे वखरे दिनां दे उत्ते मनाया जांदा है।
गुरद्वारा साहब इस इलाके दे विच भी पिछले शनिवार सरदार गुरदेव सिंह जी दे सहयोग दे नाल इस संगत ने इत्थे लाहा लिया। मैं समझदा कि यह बहुत वड्डी जिम्मेवारी अज दा प्रोग्राम जिथे गुरद्वारा बाला साहब दे विखे हो रहा इस वक्त भगत पीपा जी की बाणी के उत्ते इस वारी का प्रोग्राम रखा गया ताकि असी अपनियां संगतां नूं दस सकीए। हिंदुस्तान दे विच नहीं मैं समझदा कि एशिया दे विच सब तो वड्डा अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी ने तैयार किया तो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि असी शॉर्ट फिल्म के राही क्योंकि अजकल का जमाना है असी वो सारिया अपनिया वैबसाइट अपने फेसबुक साइट के उत्ते शॉर्ट फिल्म बच्चों भी भेज दियाँ व्डिया भी भेज दियाँ ताकि अपने इतिहास में तुसी लोग जान सको। ऐसे कई उपराले धर्म प्रचार कमेटी वालों किए जा रहे हैं। साढ़े दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मैडिकल लाइन के भी लगातार दी जा रही और इस गल ते माण होएगा कि तुहाडे इलाके दे मैंबर सरदार गुरदेव सिंह जी दिल्ली की सब तो वड्डी सेवा जिहड़ी दिल्ली दे विच फ्री डायलिसिस सेंटर जिहड़ा खोलिया गया गोपाला साहब हॉस्पिटल दे विच जिथे हज़ारा लोग डायलिसिस करा के जाते हैं और एक पैसा भी उत्थे जिथे फी काउंटर ना लग्या होए उत्थे लगातार रोज़ सवेरे 10 बजे तो लैके 3 बजे तक 4 बजे तक जब तक उत्थे काम हैगा ये लगातार 5-6 घंटे की अपनी ड्यूटी दे के उन्हों बखूबी निभा भी रहे हैं। और मैं खुशी है कि जिहड़ी चोण असी की सी बतौर मैंबर चुनन की बतौर कैंडीडेट चुनन की उहदे उत्ते जब इलाके की संगत ने मोर ला के इन्हां नूं जिम्मेवारी दिती है अज इस गल की खुशी है कि एक बेदाग और एक बेतड़क होकर यह जिहड़ियां सेवावां गुरु पंथ की कर रहे हैं महाराज इन्हां नूं होर चढ़दियां कला दे विच रखण। गुंजा सिख फिरसे दियां साढ़े खास पेशकश दे विच वसा नहीं जेकर तुसीं सानूं या दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इस प्रोग्राम दे संबंधी कोई सुझाव या राय देना चाहते हो तो साढ़े ईमेल पता नोट कर लो। साढ़े ईमेल पता है feedback@ptcnetwork.com। फिलहाल दिओ इजाजत, अगले हफ्ते खास पेशकश लैके मुड़ तो होवांगे हाजिर। धन्यवाद।